और अब खबर लखनऊ से है। लखनऊ के हजरतगंज में एक बार फिर से सड़क धंस गई है। प्रयाग नारायण रोड पर हुए गड्ढे में ट्रक का पहिया फंस गया, इसकी वजह से लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ियों को डाइवर्ट करके जाम को खुलवाया। लोगों ने दावा किया कि काफी समय से ये सड़क खराब है। तो मौके की तस्वीरें भी आप देखिए, कुछ दिन पहले इलाके में सीवर लाइन की खुदाई हुई थी और तब से ही जो स्थानीय लोग थे वो बता रहे हैं कि काफी समय से सड़क खराब चल रही है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और आज इस सड़क पर ये बड़ा गड्ढा हो गया। सरकारें गड्ढा मुक्ति के दावे अक्सर किया करती हैं, पर लखनऊ के पौश इलाके पराग नारायण रोड पर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद SDRF को बुलाना पड़ा। मैं इस वक्त लखनऊ में पराग नारायण रोड पर मौजूद हूं और ये अपने आप में लखनऊ का बेहद ही पॉश इलाका है, बेहद ही VIP इलाका है। इसी गड्ढे में जो आप गड्ढा देख रहे हैं, इस गड्ढे में एक ट्रक जो कि चेन्नई से माल लेकर के लखनऊ आया था और वो जब अपना माल अनलोड कराने के लिए आगे बढ़ रहा था उस दौरान इसी गड्ढे में फंस कर ये ट्रक जो है फंस गया था। ये सामने जो आप ट्रक देख रहे हैं ये HR 38 नंबर की गाड़ी है और ये चेन्नई से आ रही थी। जो इस ट्रक का ड्राइवर साइड का जो पीछे का पहिया था वो उसमें अचानक से धस गया। कैसे क्या हुआ, उसके ड्राइवर हमारे साथ हैं, क्या नाम है भाई आपका? विकास। कितने बजे क्या हुआ था? मैं रात में 11:30 बजे यहाँ पहुँच चुका था और इस एरिया में गाड़ी खड़ी थी तो कुछ लोगों ने यहाँ पे आके बोला कि यहाँ पे मोड़ है, ये गाड़ी या तो पीछे ले जाओ या उस साइड में खड़ी कर लो। तो मैं उस साइड में गाड़ी को खड़ी कर लिया और आधा घंटे बाद गाड़ी का पहिया बैठने लग गया, अपने आप बैठ गया, अपने आप ही। गाड़ी खड़ी थी, मैं खाना बनाने लग गया था, खाना बना रहा था। इतने में ये मकान मालिक आए, बोले भैया गाड़ी को आगे कर लो। जब तक पहिया थोड़ा सा बैठा हुआ था, जब मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया, जैसे गियर बढ़ाया वैसे ही गाड़ी जैसी थोड़ी हिली, पूरा गाड़ी वहीं वहीं बैठ गई। ABP News आपको रखे आगे।